का भ्रमण करवाने वाला हूं। आज मैं आया हूं बीकानेर चौपाटी और ये पूरा दृश्य देख रहे हो, बीकानेर चौपाटी का दृश्य है और पूरा का पूरा यहां पर क्या क्या करने वाले हैं। मन्नू जो है उसको राइडिंग करवाएंगे। तो ये हाँ, हम यहां पर बीकानेर चौपाटी पहुंचे और ये इनका टिकट काउंटर है। यहां से तो मैं और मन्नू आज आए हुए हैं वोटिंग। मन्नू को अभी कितनी है वोटिंग करेगा क्या? यहां से टिकट ले रहा हूं और मनन जो है वो राइडिंग करेगा बीकानेर चौपाटी। और यहाँ से देखिएगी, मैंने टिकट ले लिया है और ये जो पूरा दृश्य है अभी मनन जो है वो यहाँ पर घूमने वाला है, तो मैं आपको पूरा पूरा ये दृश्य दिखाऊंगा। टिकट लेने के बाद मैं यहाँ से चल पड़ा और ये सारे जो हैं पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए टिकट जो मनु लिया था, ये सब बच्चे डायनासोर से फोटो जो है वो खिंचवा रहे हैं। और ये यहाँ पर मनु जो है वो ट्राइडिंग करेगा अभी थोड़ी देर बाद में टिकट लेकर। देखता हूँ मनु कैसा है। ये मनु खड़ा है इधर और ये मनु की मम्मी भी खड़ी है इधर। मनु ये आपकी टिकट है, पकड़ो, क्या करना है बताओ। रुक, पानी में गिर जाएगी टिकट, मैं बंद को बना दे एक बार। ये मनु को बहुत ही उत्साहित है, क्या करना है मनु बता पहले। वोटिंग करनी है क्या, चला लेगा क्या? आ जा। तो ये जो भाई साहब है ये देखें टिकट, ये लो इना जा, इना 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 जा। चला लियो, आओ जितनी देर चला लियो ठीक है। अबे ये तो ये इसको जैकेट पहनाई जा रही है अभी। क्या कर रहा है जैकेट पहन के हैं? क्या कर रहा है? ये बालक उत्सुक हो रहा है दादा, चलो चलाते हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जा मालिक, रुक जा। फोन करा गया ये। और ये मनु जो है अभी बहुत ज्यादा उत्साहित है ये चलाने के लिए। बढ़िया तरीके में चलाई ठीक है। और इसमें बिठा दिया इसको बोट, ये थोड़ा सही करो है, खड़े मत होना ठीक है, बैठे रहना। खड़े नहीं बेटा, खड़े मत होना मनु, खड़े कौन होना ठीक है, खड़े मत होना ठीक है, खड़े कौन होना। और चलाने हैं हैंडल बढ़िया तरीके से, दूर तक घुमा के लेके आनी है ठीक है। औरन सा के पास है। और ये देखिए पूरे जो दर्शक दुर्गा में बच्चे सब बैठे हैं, शानदार दृश्य है। और अभी देखो ये जो है, चलाओ बेटा, वाह क्या बात है, चला चला घुमा घुमा। क्या हो, घुमा 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 घुमा, तेज घुमा तेज घुमा। मैं बिनू ले जा रहा की बिंगो। मनु ने अपनी राइडिंग शुरू कर दी है और ये बोट को बहुत दूर तक ले गया, अभी देखते हैं क्या करेगा। ये देखो बहुत उत्साहित है लेकिन जल्दी थक जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा अनुभव इसका पहली बार है। तो दृश्य बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से मनु यहाँ पर चला रहा है ये बोटिंग। थक गयो रे, थक गयो बहुत जल्दी, थक गयो। और ले क्या, एक राउंड और ले क्या, घुमा घुमा। और इस तरीके से मनु जो है बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से दो नंबर गाड़ी चला रहा है। क्या थक गया क्या मनु, थक गया बस थक गया इतनी देर में। तो इस तरीके से जो मनु है वो शानदार तरीके से खूब आनंद ले रहा है और चलाया जा रहा है गाड़ी। और ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है इसी तरीके से चला रहे हैं। हाँ बता क्या करना। और इस तरह अटा डकन कर बोले। और इस तरीके से मनु ने कर ली है बोटिंग, मनु ने कर ली है बोटिंग इस तरीके से। और इस मनु की मम्मी भी इधर बैठी हुई है और आपको पता है ये बच्चे सारे के सारे बच्चे आ गया। देखो भाई ये सब बच्चे जो है आ चुके हैं। और ये देखो अभी जितने भी लोग थे वो सारे जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पर अभी, क्योंकि 9:30 ये जो है पूरा का पूरा जो चौपाटी है वो खाली हो जाता है। मैं अभी हूँ बीकानेर चौपाटी, जहाँ पर एक शानदार जो टूरिज्म बनाया गया है
शानदार यहाँ पर निकाल ले निकाल ले अब निकाल ले थक गया। अरे खड़े हो इन्हें इन्हें लिया लिया इन्हें लिया लिया बेटा इधर लिया और अभी अब निकाल लेते हैं इसको बाहर, ये थक चुका है बच्चा। लिया लिया बेटा लिया, एक मिनट रुक। और ये इस तरीके से भैया निकालिए यार, ओ भैया निकालना इसको, ये थक गया वो। एमेंट एमेंट खड़े कौन होना, खड़े ना बेटा निकाल ही बैठा रहना। और इस तरीके से ये भाई साहब जो है उन्होंने जैकेट पहनाई उसको, और दो तीन टपरिया बहुत थकिया कोई नहीं अभी। तो इस तरीके से हम देखो शानदार तरीके से, हेलो जी ए मुंडा घूम घाम के आ गया, आ जा चलो वाह खड़ो। इस तरीके से अभी खोलो इसकी जैकेट, आज खोलो इधर आओ, इन्हें मुकर खोल दे जैकेट, खोल दे ये जैकेट जो है वो खोली जा रही है। अरे ऐसे खुलता है क्या ये? तो मनु ये बताएगा अभी, बोलो इधर कैसा लगा। और राइड के बाद अब मनु इधर जा रहा है, लेकिन इसकी जिद है कि इस बैलून में जाऊं, और ये बैलून है बड़े बच्चों के लिए, लेकिन उसको इसमें बिठाएंगे नहीं। अरे यार रुके, बन रही है सबकी बन रही है, ये देखो इसके अंदर, ये अंदर इसके घूमेंगे और इसके अंदर जाने के बाद में घूमता है। मन्नू की इच्छा और इसमें जाने के लिए, ठीक है तो मन्नू को इसमें घुमाएंगे नहीं क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा। तो ये देखो जिद कर रहा है बच्चा है, पर जिद करेगा, आ जा बेटा आ जा। और ये देखो इसमें, और ये देखिएगा हम अभी यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, मेरे साथ मनु मैडम और वीडियो बनाए जा रहे हैं सब के सब लोग, और बहुत ही गजब का सीन है, बहुत नाइट में भी एक शानदार सीन यहाँ पर आता है। और मैं हूँ यहाँ पर बीकानेर चौपाटी, और इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा ये देखिएगा दीवारों के ऊपर भी शानदार कलाकृतियाँ करी गई है, और बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं इसके अंदर, बच्चे जो है इसके अंदर खूब आनंद ले रहे हैं बच्चे, बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चे नहीं है, खूब जो आनंद है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, और बच्चे देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं इस तरीके से। आ जाए इधर आ जाए, अभी ना घूम गया कटा है बैलून है वो सारे, और बीकानेर चौपाटी है, ये बीकानेर चौपाटी है। इसमें क्या है, ये पर्यटन स्थल के लिए अभी अभी बनाया गया है इसमें बिल्कुल। और ये देखिएगा ये यहाँ पर देखो दीवारों के ऊपर शानदार कला करते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दादाजी अभी बैठे ही हैं इधर, देखो इनसे ऐसे लगता है कि बात ही कर ली जाए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखो ये दादाजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ में बातें करेंगे। तो इस तरीके की शानदार कलाकारियाँ जो है वो करी गई है, देखो आपको भी देख के नहीं लगता क्या कि जैसे कि अभी आपके साथ में बात ही करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और इधर देखिएगा एक एक ऐसी चाह देखने की, तो वो आपको इस चित्र में दिख रही है, और क्या हाथ में दस्तूर है, शानदार की चित्रकारी यहाँ पर चल रही है, और बहुत गजब गजब तरीके मैं इस तरीके के जो आपको है वो चित्र वो दिखाने वाला हूँ। ये पूरी जो वॉल है ये देखिएगा, पानी की जो पिनिहारियाँ हैं वो ऐसे आपको दिखाई दे रही है कि पानी की जो पिनिहारियाँ है वो एक शानदार दृश्य आपको यहाँ पर दिखाए। और ये हमारा रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट जो है, और ये यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा जो दृश्य घूमने लगे, और बहुत ही जो मन किया कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ शानदार। ये जो आपको साइड में दीवार दिखाई दे रही है ना, उसमें ग्रामीण का इतना शानदार मनोरम दृश्य दिखाया गया, देखते ही बनता है। मैडम जी भी खड़े हैं चित्र छत्र ले रहे हैं यहाँ पर, देखो ये दीवारों के ऊपर जो है शानदार पेंटिंग यहाँ पर करी गई है, और ऐसा ये लग रहा है कि इधर तो मैडम खड़ी है, इधर एक और कोई खड़ी है जिसके साथ में अदाई चल रही है। और ये जो झोंपड़ी जो है ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई वास्तव में झोंपड़ी बनी हुई है। तो इस तरीके का जो दृश्य है वो बहुत गजब का है। तो उस साइड में वापस चलते हैं, आ जाओ बेटा उसमें नहीं उस, और ये जो रेगी ऐसा लग रहा है असली भी है, असली में ऊँट है क्या? तो मैडम जी भी देखना आ गया, और मनु क्या कहना चाहेगा, मनु बता, मनु तो कुछ नहीं, इम कौन पाड़ू। तो इसके ऊपर है बॉडी, और ये बॉडी खा रहा है, ये इस बॉडी को देख कर इसके साथ में इसे बनाया गया ये चित्र, खाता हुआ चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। देखो ये इस पेड़ की जो है ना टहनियाँ, उस टहनियों के साथ में ये दिखाया गया है ताकि ऐसा लगे उसके साथ में इसका कनेक्शन है, और वास्तव में हूबहू कलाकारियाँ यहाँ पर करी गई है। तो और आपको इस दीवार पर और दिखाता हूँ, मनु थोड़ा सा अच्छा, मनु शरारती बहुत है, एक छोटी सी कुटिया और इसके साथ साथ में के हाँ
हटाओ अग्निशमक यंत्र पर यारी जो है इधर देखो प्याऊ प्याऊ मोर भी आपके सामने। अच्छा मोर 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 देखो मोर ये देखो। और ये जो है झोपड़ी यहाँ पर भी इसमें ताला लगा दिया गया, नहीं तो झोपड़ी में हम बैठते थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी घुमाई करते। यहाँ पर मनु बैठेगा, यहाँ पर मनु की वीडियो है, सब। ये देखो पूरा ऐसे लगता है हम कहीं गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो दीवार जो पूरी आपको दिख रही है ना, देखो गाय। और ये देखो एक बार फिर से बेड। और यहाँ पर देखो जैसे ऐसा लग रहा है कि चरागाह जो है वो यहाँ पर इसको चरा ही रहे हैं। और ये देखिएगा इस तरीके से ये पूरी जो दीवारें जो है मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये बैठे बैठे कुछ चाय चू पी रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आप कमेंट में बताना ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चाय पी रहे हैं बैठे बैठे। इधर बाजरे की रोटी, ये देखो बाजरे की रोटी ये बना रही है, ये आंटी जी बना रहे हैं रोटी। मन तो बाजरी रोटी देगी भूख, बिल्कुल अभी वापस चलते हैं। अच्छा भूख लागी, रोटी खाना मन कर रहा है तेरा? बहुत ज्यादा मन कर रही है। तो घर जाके बना के जिम ले, फिर जिम ले। मन बाजरे की रोटी बनानी को नहीं आवे। ये पूरी जो साइड के इस पूरा जो टनल है चौपाटी जो है इसकी पूरी जो दीवार है इस तरीके के मनोरम दृश्य बनाए गए हैं। ये देखो कितना गजब का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये जूनागढ़ फोर्ट का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखो यहाँ पर आगे आने के बाद में एक ताजमहल का दृश्य भी आपको दिखाई देगा। ये कितना शानदार और भव्य दृश्य है। और आगे की साइड में आपका बना हुआ है यहाँ तो पर। इससे आगे का जो वीडियो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में, कि इसके बाद में हमने क्या क्या किया था और मनु ने भी क्या क्या किया था। ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दिया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह जो बिकाना जो चौपाटी है उसका दृश्य आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।